अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोमी फैशन। तो आज मैं आपको प्रिंसेस कट वाली शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए नॉर्मल स्लिट वाली शर्ट भी बनाई जा सकती है इसमें, और बन चाकों वाली एयरलाइन फ्रॉक भी बन सकती है। तो ये मैं बन चाकों वाली एयरलाइन फ्रॉक बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने ये शर्ट का पीस ले लिया है, मेरे पास जितना अर्ज था मैंने वो पूरा ले लिया है। तो ये देखें, ये इसके टोटल चार पीस हैं, दो पीस ये और दो अगले और दो पिछले, और ये इसका टोटल डबल करके ये घेर है इसका। तो अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं तीरा लूँगी इस जगह से, अपनी मेजरमेंट के हिसाब से आपको जितना चाहिए। मैं यहाँ 6.5 इंच तीरे पर निशान लगा रही हूँ, और यहाँ से आधे इंच का मार्जिन कटिंग का छोड़कर मैं यहाँ से 6.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। चेस्ट का निशान मुझे चेस्ट जितना चाहिए, मुझे तैयार चेस्ट जो है वो 16 इंच चाहिए, तो मैं आधा इंच बढ़ा के लूँगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे कट डालेंगे तो उसकी दोनों तरफ से स्टिचिंग में आएगा, तो इसलिए मैं आधा इंच बढ़ा के लूँगी। तो मैं यहाँ 9 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब मुझे चेस्ट पे निशान लगाना है, तो चेस्ट का साइज ऊपर से लेकर 12.5 इंच पर लगता है, इस जगह मेरे चेस्ट का निशान आएगा। तो चेस्ट मुझे चाहिए 15 इंच, तो ये मैं यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के ले रही हूँ। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे, और बाकी इस निशान को फिर हम सीधा नीचे ले जाएंगे। इस जगह पर यहाँ पर हल्की सी गुलाई देंगे, और यहाँ पर मैं 3 इंच छोड़कर यहाँ से निशान लगाऊंगी, इसको कफ दूंगी हल्का सा। इससे हमारी एयरलाइन फ्रॉक जो होती है उसके कॉर्नर नहीं मिलते, निकलते नहीं है कॉर्नर। यहाँ से इसकी इस तरह गुलाई में कटिंग हो जाएगी। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी कि यहाँ से मैं शोल्डर की गुलाई दूंगी, और यहाँ से मैं नेक पर भी निशान लगा लूँगी। यहाँ से मैं 2.5 इंच नेक की विड्थ लूँगी, चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच टोटल, जो 5 इंच तैयार होकर हो जाएगी, और 5 इंच ही मैं इसकी लंबाई लूँगी, और यहाँ से मैं इसकी शेप गोल कर लूँगी। अब मैं यहाँ से कटिंग स्टार्ट करूँगी, और जो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ से मैं सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लूँगी। अब मुझे यहाँ पर प्रिंसेस कट बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ नीचे से इसकी गुलाई की शेप दे लूँगी। अब मैं एक हिस्से को हटा दूंगी, जो मेरी बैक साइड होगी उसे हटा दूंगी, और ये यहाँ से मेरी फ्रंट साइड होगी, इसको मैं थोड़ा गहराई में कट करूंगी, और यहाँ से मैं इसका प्रिंसेस कट का निशान लगाऊंगी। तो ये इसका प्रिंसेस कट मैं सिर्फ फ्रंट साइड पे ही बनाऊंगी, ये फ्रंट साइड पे ही अच्छा लगता है। यहाँ से इस शोल्डर का मेजर करके इसका हाफ ले लेंगे हम। तो ये यहाँ 10 इंच आ रहा है, तो मैं इसका 5 इंच इसका हाफ लूँगी। यहाँ इसका 5 इंच आ रहा है, जितना भी आपका शोल्डर आ रहा हो उसका आप। और अब जो चेस्ट का है, यहाँ चेस्ट से मैं अंदर की तरफ 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, और ऊपर से 7.5 इंच पे, और यहाँ से मैं इस निशान को इस निशान से मिला दूंगी हल्की सी गुलाई की शेप में। और जो कमर का निशान है वहाँ तक मैं इसको, ये जो कमर का हमारा है निशान, यहाँ तक मैं इसको बिल्कुल सीधा ले आऊँगी। अब इस निशान से मुझे ये नीचे तक काटना है। अगर ये मेरी नॉर्मल शर्ट होती तो मैं इसे सीधा ही ले जाती, लेकिन यहाँ पे मेरी ये एयरलाइन फ्रॉक है, इसलिए मैं यहाँ से बढ़ा के लूँगी। यहाँ से ये 3.5 इंच पे आ रहा है, तो यहाँ से मैं 7.5 इंच लूँगी, और मैं इसे कब देकर दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगी। तो ये देखें, ये मेरा तैयार हो चुका है, मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। तो ये देखें, ये मेरा कट तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। अब ये जो शर्ट का मेरी सेंटर वाला पार्ट है, इसके ऊपर मैं यहाँ जो मेरी कट हुई हुई है, प्रिंसेस कट इसको कहते हैं, यहाँ पर मैं ये डोरी पाइपिंग लगाऊंगी, और इसके साथ इसको
ज्वाइन करूँगी और फिर बाद में इसके ऊपर दूसरा कपड़ा अटैच करूँगी। तो इसके लिए ये मैं बनी बनाई रेडीमेड जोड़ी पाइपिंग लगा रही हूँ। तो यहाँ पर ये कव में है, इसको गोल घुमाकर इस तरह लगाना है। तो अगर इस वाली पाइपिंग को गोल घुमाकर लगाना हो तो उसकी एक टेक्निक ये है कि हम इसके अंदर से थोड़ी सी डोरी खींच लेते हैं और इसे यहाँ इस जगह पर चुन दे देते हैं हल्के से। तो ये चुन की वजह से इसका ये जो कव है ये ईजीली लग जाता है गोल घुमाकर। हल्के हल्के से चुन देने होते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं हम इस जगह पर, ताकि वो कपड़ा अच्छी तरह गोल हो जाए। तो यहाँ से हम ये लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने दोनों तरफ से लगा ली है पाइपिंग। अब मैं इसे अटैच करूंगी इस तरह, यहाँ इसे रखूंगी और इसके ऊपर ऊपर अटैच करती जाऊंगी। खींचना नहीं है कपड़े को, हल्के हाथ से अटैच करना है। आप चाहें तो पहले प्रेस की मदद से इसे सेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ से भी मैं अब इसी तरह अटैच कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने पाइपिंग लगा दी है इसकी, और ये देखें इसकी इस तरह लुक आई है। नीचे ये एयर लाइन है इसलिए इसका गैप ये देखिए ज़्यादा आ रहा है। अब मैं इसके नेक पर भी इसी तरह ये पाइपिंग अटैच कर लूँगी, क्योंकि ये गोलाई में है तो इसका मैं डोरी खींच लूँगी थोड़ी सी और इस तरह फिनिशिंग के साथ इसे मैं अटैच कर लूँगी। ये देखें, हल्की हल्की हम इसकी डोरी खींचेंगे। बैक साइड से अब मैं इसे इस तरह प्रेस की मदद से इसे मैं सेट कर लूंगी। अब मैं इसका बैक नेक कट करूंगी। तो बैक नेक को कट करने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि बैक नेक कट करने का सही तरीका बताएं। तो वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो मुझे आसान तरीका लगता है और जो मैं कट करती हूँ वो ये होता है कि मैं पहले फ्रंट नेक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं ये बैक साइड की शर्ट है ये मैं इस तरह तय करके रखती हूँ, और ये यहाँ से नेक कटेगा इसका, ये मोड़े की साइड है। तो जो मैंने फ्रंट नेक तैयार किया होता है उसे मैं फिर इसके ऊपर रखती हूँ। इस तरह मुझे ईजी लगता है, वैसे यहाँ से आप मेजर करके भी कट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह फ्रंट नेक जो तैयार हुआ हुआ है मेरा उसे इस तरह सेट करूंगी, और यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़कर, इस जगह से जो सिलाई का मार्जिन होगा मैं वो छोड़कर यहाँ तक मुझे जितना डीप कट करना है मैं कट कर लेती हूँ। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे कट करूंगी, इस तरह मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो मेरा नेक कट करने का तरीका ये है, पहले भी कट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी शेप थोड़ी सी सेट कर लूंगी। ये देखिए, ये मेरा बैक नेक कट हो गया है। अब मैं रेप कपड़ा लूंगी और इसके अटैच कर लूंगी। ये मैंने बैक नेक अटैच कर लिया है, अब मैं इसके साथ स्लीव्स भी अटैच कर लूंगी। और ये जो स्लीव्स मैंने इसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग की है ये मैंने शूट कर लिया है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा जाकर। तो अब मैं इसकी स्लीव्स अटैच कर लूँगी। स्लीव्स मैं पहले भी अटैच कर सकती हूँ और बाद में फिटिंग की सिलाई भी लगा सकती हूँ, तो जैसे आपको सूट करता है, आपको ठीक लगता है, आप वैसे करें। तो यहाँ पर मैं पहले स्लीव्स अटैच कर लूँगी, फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ शोल्डर से सेंटर से स्लीव्स अटैच करती हूँ। स्लीव की सेंटर का निशान लगाया है मैंने, ये देखें, और शोल्डर के सेंटर से इसको रख के इस तरह अटैच करते हैं। स्लीव्स मैंने ये देखें दोनों अटैच कर ली हैं, स्लीव्स अटैच कर ली हैं मैंने शोल्डर से।
अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। फिटिंग की सिलाई इसकी फुल फ्रॉक है ये, तो इसकी फुल लेंथ तक नीचे तक फिटिंग की सिलाई लगेगी। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी लगा लूंगी फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है और अब मैं इसका जो फ्रंट घेरा है, इसके चाक नहीं है, इसका सिर्फ घेरा बना है, अरेप शेप में इसकी थोड़ी सी फ्रॉक की लुक है। अब ये जो इसकी फ्रंट साइड है, इसके ऊपर मैं ये डिज़ाइनिंग करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये टसल बनाने का तरीका मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ। ये छोटे छोटे फ्लावर्स पत्तियाँ सी बनाने का तरीका वो आप ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसे दामन के ऊपर अटैच करूँगी, तो उसके लिए मैं आपको इसका तरीका बता दूँ। सबसे पहले जिस शेप में इसकी दामन की कटिंग हुई है, थोड़ी सी अरेब शेप, हम उसी शेप में इसे लगाएंगे। यहाँ से ये फ्रंट दामन स्टार्ट हो रहा है इस तरह गोलाई में, तो मैं यहाँ से इसी तरह लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये जो पत्तियाँ बनी हुई हैं इसका एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे और यहाँ पर मैं इस तरह रखूँगी और लगाती जाऊंगी। बाद में जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये फ्रंट साइड इसकी बाहर आ जाएगी। तो ये देखें, यहाँ से कॉर्नर से जो सिलाई में आएगा वो मार्जिन हम छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना। एक ये मैं पत्ती लगाऊंगी और एक मैं ट्रायंगल लगाऊंगी। स्लीव्स पर भी मैंने ये सेम डिजाइनिंग की है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये इसके ट्राउज़र का फैब्रिक है कंट्रास्ट में, तो इसी से मैं इसके डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने सारे ये समोसे और ये पत्तियाँ इसके ऊपर अटैच कर ली हैं। अब मैंने एक अरेब पट्टी ली है, तकरीबन एक सवा एक इंच जितनी चौड़ी पट्टी है ये। अब मैं इसे इसके ऊपर रखकर इस तरह अटैच करूँगी, जो पट्टी की सीधी साइड है वो मैं, ये सीधी साइड है और ये मेरे जो मैंने लगाया है टसल अटैच किए हैं ये उनकी सीधी साइड है। मैं इसको इस तरह रखूँगी और इसके ऊपर इसको साथ साथ रखते हुए ये जो पहले सिलाई मेरी नज़र आ रही है इसी के ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। मैंने पट्टी थोड़ी सी अरेब ली है क्योंकि ये थोड़ा सा अरेब है, जो इसका दामन है वो थोड़ा सा अरेब है, तो अरेब पट्टी ज़्यादा आसानी से लग जाएगी। पट्टी मैंने लगा ली है, अब मैं इसे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी तो यहाँ से ये मेरे टसल सीधे हो जाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर मैं इसे फोल्ड करके नीचे सिलाई लगा दूंगी या हाथ से तुरपाई भी की जा सके। इसे मैं प्रेस की मदद से अच्छी तरह सेट कर लूँगी। पहले इसको प्रेस की मदद से सेट करने के बाद मैं इसकी उल्टी तरफ से ये देखिए मैंने ये तैयार कर लिया है, पीछे से इसको मैंने फोल्ड कर दिया और बैक साइड से भी मैंने इसको बारीक बारीक फोल्ड कर दिया है दामन को। ये देखें, ये मेरी शर्ट तैयार हो गई है। ये नीचे से एयरलाइन और ऊपर से ये कुर्ती की शेप में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।